हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज का जो वीडियो है इसमें एक्चुअली मैं एक स्ट्रेटनिंग ब्रश ली हूँ जिसको मैं आज फर्स्ट टाइम रिव्यू करूँगी। फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ उसको। एंड ये जो ब्रश है ये मैं ली हूँ फिलिप्स स्ट्रेटनिंग ब्रश एडवांस्ड। एंड इसमें एक्चुअली आपको मिलेगा आर्गन ऑयल का इन्फ्यूज्ड ब्रश भी है इसमें। एंड इसका प्राइस है 4,099 रुपीज़। मैं इसको अमेजन से परचेस की हूँ। एक टाइम मैं कैरेटन करती थी लेकिन फर्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ इसको यूज़ करूँ, और अगर मुझे अच्छा ठीक रिजल्ट मिला तो मैं सोच रही हूँ इसी को ही कंटिन्यू करूँगी। इसमें एक मैनुअल भी है जिसको आप देख के यूज कर सकते हैं कैसे यूज करना है। इसमें एक्चुअली दो टेम्परेचर दिया है, एक है 170 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर वन इज 200 डिग्री सेल्सियस। इसका जो वायर भी है ये काफी लंबा है। इसको यूज करने से पहले आपको हेयर को पूरा ड्राई करके रखना है। एंड इससे पहले कोई ऑयल और कोई सीरम और कोई जेल उसको ना यूज करें। इसको मैं 200 डिग्री सेल्सियस में हीट कर रही हूँ क्योंकि मेरा बाल थोड़ा ज़्यादा कल है तो इसीलिए। एंड यहाँ पे जैसे ये जो ब्लिंक हो रहा है लाइट, जैसे क्लोज होगा मीन्स हमारा जो ब्रश है वो हीट हो गया है। अभी देखिए ये लाइट जो है ब्लिंक होना बंद हो गया है।
अभी आप देख सकते हैं मैं एक साइड ब्रश की हूँ और ये मेरा दूसरा साइड है। सो तो मुझे तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि मेरा बाल तो और इससे ज़्यादा कर्ली दिख रहा था अब तो, और इतना कम टाइम के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट तो ठीक है। आई होप दिस इज वर्थफुल फॉर मी। अभी मैं इसके ऊपर सीरम यूज करूँगी। इसमें जो हेयर होता है वो ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होता है, मतलब जैसे नेचुरल लुक होता है ऐसे ही मिलता है आपको। एंड पूरा स्ट्रेट चाहिए तो आप स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं। एंड स्ट्रेटनर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको यूज़ करके सेट करने के लिए, आप देख सकते हैं। मेरे लिए तो काफ़ी वर्थफुल है ये एक्चुअली, इतना कम टाइम के अंदर इसको यूज़ करके इतना अच्छा वाला अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड एवरी टाइम कैरेटिन करना एंड इट्स सो एक्सपेंसिव फॉर मी, बिकॉज जब भी करती हूँ तो डेफिनेटली मेरे हेयर के हिसाब से 15,000-20,000 ऐसे ही देना पड़ता है मुझे। इसके अंदर जो आर्गन ऑयल का इन्फ्यूज ब्रश है, इसमें क्या होता है ना, आपका जो हेयर होता है वो ज़्यादा सिल्क एंड ज़्यादा शाइन नहीं करता है नॉर्मल ब्रश के हिसाब से। Hope you guys like this video and don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Bye guys.